न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि के लिए महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा। नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी शहीद सभी जवानों के परिवारों को देंगे एक दिन का वेतन। थाना समाधान दिवस पर एसएसपी ने झंघा और चौरी चौरा थाने पर सुनी फरियादियों की फरियाद, किया थानों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। महाराजगंज और देवरिया के शहीद जवानों के परिवारों का साल भर के बिजली बिल का भुगतान करने का उठाया जिम्मा। एशपरा के प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में कर्मचारियों ने शहीद जवानों की शहादत पर मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। आतंकवादी देश पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। 8 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे बीएसएनएल कर्मचारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाबी सिख सिंधी समाज के लोगों द्वारा निकाली गई रैली। पुलवामा में शहीदों के ऊपर हुए आतंकी हमले का किया विरोध। पुलवामा में शहीदों के ऊपर हुए आतंकी हमले के विरोध में युवाओं के अपील पर दुकानदारों ने दुकानें की बंद। प्रदर्शन कर पाकिस्तान विरोधी लगाए नारे। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अमर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीद परिवार के हर सुख दुख में साथ खड़े हैं हम। अमर शहीदों का बदला ले सरकार। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमले को लेकर गुस्से में छात्राएं। आतंकवादी देश पाकिस्तान के खिलाफ निकाली भड़ास। गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आतंकवाद का पुतला फूंका, जताया आक्रोश। कहा, देश के हिंदू मुस्लिम हो एक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पाकिस्तान की हो सर्जरी। सीआरपीएफ के वीर सपूतों को व्यापार पर पोस्ट ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष ने कहा, बातचीत नहीं अब होना चाहिए रण। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा। शिवराज सेना छात्र सभा गोरखपुर द्वारा निकाली गई रैली। आतंकी हमले के विरोध में फूका पाकिस्तान का पुतला। ऑल इंडिया महापदानंद कम्युनिस्ट एजुकेटेड सोसाइटी जिला इकाई ने हवन करके जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार जवानों को दे खुली छूट, समय आ गया है एक के बदले 10 मारने का। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के लिए आयोजित की गई शोक सभा, दी गई श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर की 34वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर जननायक कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हो देश में, भारत रत्न देने की सरकार से की मांग। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए छात्रों ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। कहा, शहीद के परिजनों के साथ सदैव खड़े रहेंगे छात्र। और विश्वविद्यालय के छात्रों ने सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले का किया विरोध, पाकिस्तान का फूका पुतला।